तो निर्णय लेने आ पाए हैं कि क्या करें, तो हम सच बोल दें या झूठ बोल दें? सच बता दें, ठीक है, बुरा मत मानना। मन शांत नहीं रह रहा एवं आपस में पति से कलेश बना, अलग स्थिति बन गई है, वह आप पूछने आए हैं क्या करें, अलग हो जाएं, तलाक स्थिति बन रही है, वो रखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, इस कारण से कलेश होता है। गलतियां दोनों की भी हैं, पूर्व की आपकी गलती है, जिस गलती को लेकर के वो अभी बैठे हुए हैं वही उनके दिमाग में चल रहा है, और उनकी भी गलती है कि वो थोड़े से मार्ग से भटक जाते हैं, और जिसको लेकर के आप बैठी हुई हैं। दोनों पक्ष गलत हैं, दोनों सेम गलत हैं, सेम स्थिति दोनों की ही है, जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं। थोड़ा सा आप झुक जाओ, अलग मत हो, वो सुधरेंगे, कृपा हो, आशीर्वाद। अब माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ जी बिल्कुल। माइक नीचे रखो, तुम तो हिंदी पढ़ लेते ना। हाँ जी। माइक नीचे रख लो। ये नीचे वाली लाइन श्योर? लगता नहीं, श्योर पे जाना चाहिए। एक मिनट, उनके दो कारण अब हमने श्योर वाले भी लिख दिए, एक तो ये था इसी लाइन के बाद में, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, बराबर, अब तो श्योर है। आशीर्वाद। लेकिन ये खोलना नहीं है तुम्हें, ना बोलना है, क्योंकि आपकी भी कमियां हैं, आप भी हवा में उड़ रहे हो, समझ गए हमने कहां बोला है, कंट्रोल। और ये लाइन हमने इसलिए मिटा दी ताकि कोई पढ़े तो हमारे ऊपर केस ना करे। और बहन सामंजस्य बना के चलो, गृहस्थ जीवन है, और बार बार गृहस्थ जीवन में क्योंकि इसमें पिस रहे हैं दोनों पक्ष के परिवार। अच्छा, परिवार की कोई गलती नहीं है, दोनों परिवार चाहते हैं कि तुम साथ रहो, वो साथ रहें, लेकिन वो सुधरें और आप भी नहीं चाह रहे हैं, सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार भर सभा में पूरे लिस्ट बनाएंगे मोबाइल नंबर वाली। खुश रहो, जाओ, खुश रहो। ये डांट हमने इसलिए लगाई बेटा ताकि आप सुधर जाओ, माइक हाथ में लिए रहो। ये डांट हमने इसलिए नहीं लगाई कि आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप सुधरें और आपका गृहस्थ बढ़िया हो। इसलिए एक गुरु के नाते, जो गुरु का धर्म होना चाहिए, तो आप भी बहुत नहीं उड़ना है, कंट्रोल। उड़ के फ्लाइट से आ तो गए, अब मत उड़ो, जाओ। थैंक यू, वेलकम। वहां मंत्र समझ लो बहन, और भभूति भी ले लो, और अपने पति देव के लिए बालाजी से प्रार्थना भी कर लो, खुद के लिए जरूर करना,